नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम शंख के विषय में बहुत ही रसप्रद चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हिंदू संस्कृति में पौराणिक कथाओं में शंख के क्या उल्लेख हैं, शंख का पूजा में क्या महत्व है, शंख बजाने के क्या शारीरिक प्रभाव हैं और वैज्ञानिकों ने किए प्रयोग में क्या जानने को मिला है। हिंदू पौराणिक कथा में ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 21 में बताई गई प्रचलित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुआ एक सुदामा नामक गोप ने शाप के कारण दनु वंश में अर्थात दानव वंश में जन्म लिया था, जो शंखचूड नाम से प्रसिद्ध थे। वह श्री कृष्ण के अंश थे और उनके भक्त भी थे। उनके राज में परेशान देवता ब्रह्मा के साथ भगवान शंकर के पास गए। वे फिर श्रीहरि के पास गए और उन्होंने त्रिशूल के प्रयोग से शंखचूड के नाश करने की मंत्रणा बनाई। फिर जब युद्ध हुआ तब काफी समय बीतने के बावजूद कोई पराजित न हो पाया, क्योंकि शंखचूड को श्री कृष्ण का कवच होने के कारण कोई मार नहीं सकता था। फिर श्रीहरि ने योजना के अनुसार ब्राह्मण के वेश में शंखचूड से दान में कृष्ण कवच मांगा। उसके बाद भगवान शंकर ने दिव्य त्रिशूल का प्रयोग कर शंखचूड को अग्नि से नष्ट कर दिया। इस तरह शंखचूड का शाप समाप्त हुआ और वह पुनः गोप के वेश में गोलोक चले गए। शंखचूड की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई और वह अनेक प्रकार के रूप में देवताओं की पूजा में पवित्र माना गया। शंख का जल सर्व में पवित्र माना गया। शंख की ध्वनि लक्ष्मी के वास का स्थान बताई गई। शंख का स्थान श्रीहरि और लक्ष्मी का निवास बताया गया और अमंगल को हरने वाला बताया गया। शंखचूड और तुलसी की पूरी कहानी अन्य वीडियो में जानेंगे। महाभारत में भी शंख का उल्लेख युद्ध प्रारंभ की घोषणा के लिए बताया है, जिसमें श्री कृष्ण और 5 पांडव के अपने अपने शंख होने का संदर्भ मिलता है, जिनके नाम इस श्लोक में देखने को मिलता है। शंख का शाब्दिक अर्थ है अशुभ को शांत करना। शंख दो प्रकार के होते हैं, बाएं हाथ का और दाहिने हाथ का। वलंपरी शंख या लक्ष्मी शंख दाहिने हाथ का शंख है, जो पवित्र माना जाता है। हिंदू वैदिक संस्कृति में इसे शुभ प्रसंग एवं त्योहार की शुरुआत में बजाया जाता है। इसके उपरांत पूजा आरती के समय और विधियों में इसमें जल भर के छिड़कने का भी चलन है। कई लोग इन्हें पूजा स्थान में मंगल प्रतीक और विष्णु के प्रतीक के रूप में रखकर पूजा करते हैं। भारतीय परिवारों में और मंदिरों में सुबह और शाम शंख बजाने का प्रचलन है। चलिए जानते हैं शंख की अन्य विशेषताओं के बारे में। शंख बजाने के लिए इसे तीव्रता से फूंकना पड़ता है, इसलिए यह श्वसन तंत्र के सभी अंगों के लिए लाभदायी है। शंख बजाने से चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियां मजबूत होती है, क्योंकि इन अंगों को व्यायाम मिलता है। शंख बजाने से फेफड़ों की ताकत बढ़ती है और वह स्वस्थ रहते हैं। शंख बजाने की क्रिया से डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम हो जाता है। डॉक्टर फेफड़ों की स्वस्थता के लिए स्पायरोमीटर या शंख बजाने का सुझाव देते हैं। शंख बजाने से श्वास संबंधित रोग जैसे अस्थमा और बोलने की तकलीफ में भी लाभ होता है। शंख मुख्यतः कैल्शियम का बना होता है, इसीलिए शंख में रखा पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती है। शंख की भस्म से बना आयुर्वेदिक फॉर्मूला शरीर के वात और पित्त के दोषों को संतुलन में उपयोगी बताया है, जो ज्यादातर पेट दर्द, गैस, अन्य पाचन विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। शंख की ध्वनि से मानसिक तनाव दूर होता है और ऊर्जा चक्र सक्रिय करने में मदद मिलती है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो तनाव और चिंता को दूर करने के लिए एक चिकित्सा के रूप में शंख के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। इसे कॉन्सेल थेरापी कहा जाता है। चलिए जानते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों के रिसर्च और प्रयोग में इन्हें क्या जानने को मिला। शंख की बनावट में 95% कैल्शियम कार्बोनेट और 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, फिर भी वे 1000 गुना सख्त होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने कंस्ट्रक्शन और एरोस्पेस के लिए नई सामग्री की तलाश में शंख को कठोरता जो उसके निर्माण से आधारित है उसको उदाहरण के रूप में दर्शाया है। शंख से उत्पन्न होती ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पर भी कई संशोधन हुए हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक इनोवेशन IJRSI के आर्टिकल के अनुसार शंख की ध्वनि और इंसानी दिमाग में उत्पन्न होते ब्रेन वेव पर प्रयोग और अध्ययन किया गया। प्रयोग में शंख की ध्वनि के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन EEG रिकॉर्डिंग से किया गया। मस्तिष्क में उत्पन्न होते अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा वेव को शंख ध्वनि सुनने के पहले और सुनने के दौरान रिकॉर्ड किया गया, जिसके अभ्यास में संशोधकों ने पाया कि
शंख की ध्वनि से अल्फा वेव की औसत मूल्य में वृद्धि हुई, वहीं बीटा वेव की औसत मूल्य में कमी पाई गई। इस प्रतिक्रिया से ये निष्कर्ष निकाला कि शंख की ध्वनि के प्रभाव से इंसानी दिमाग ज्यादा फोकस्ड स्थिति प्राप्त करता है और ज्यादा शिथिल एवं शांत होता है, जिससे तनाव और बेचैनी काफी कम होती है। इस तरह शंख ध्वनि को साउंड थेरेपी में विविध रोगों को ठीक करने के हेतु महत्वपूर्ण पाया। दोस्तों, ये थी जानकारी शंख के विषय में, पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।